प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को सोमवार सुबह पीएम केयर्स योजना से लाभान्वित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से वर्चुअल जुड़े। उनके साथ पीएम केयर्स योजना में पात्र गोरखपुर के 11 बच्चों में से 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके पात्र भी मौजूद रहे, जबकि अन्य पात्र बच्चों को दूसरे एक कमरे में बैठाकर पीएम का संबोधन सुनाया। सीएम योगी ने पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने और तन्मयता से उनका संबोधन सुनने के बाद कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार प्रदान किया। उपहार के साथ उन्हें पीएम मोदी की तरफ से आए स्नेह पत्र, पोस्ट ऑफिस में खुले उनके खातों के पासबुक और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से इन बच्चों को स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल व पठन सामग्री भेंट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना, पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्हें खूब पढ़ने और खूब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपको अपनी पढ़ाई, भविष्य या अन्य किसी भी बात के लिए परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। उनके सम्मानजनक जीवन यापन से लेकर उनकी पढ़ाई तक की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। सीएम योगी ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह को निर्देशित किया कि इन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। पीएम केयर्स योजना का लाभ प्रदेश के कुल 441 बच्चों को मिला है, जिनमें गोरखपुर के 11 बच्चे भी शामिल हैं। गोरखपुर से पात्र 11 बच्चों में 2 बालिकाएं और 9 बालक हैं। इन 11 बच्चों में से 3 की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, जबकि 8 बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु वाले पात्र बच्चों को पात्रता के अनुसार 4 लाख से लेकर 9 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम केयर्स योजना के धन राशि पोस्ट ऑफिस में जिलाधिकारी की गार्जियनशिप में खोले गए खातों में प्रेषित की गई। 18 वर्ष से कम आयु वाले पात्र बच्चों के 18 वर्ष के होने तक धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जो उनके 18 वर्ष के होने पर बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएंगे। 18 से 23 वर्ष की आयु तक उन्हें 10 लाख रुपए प्रति माह 5500 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 10 लाख रुपये निकाले जा सकेंगे। पीएम केयर्स योजना में पात्र बच्चों को 5 लाख रुपये निःशुल्क इलाज की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराया है। साथ ही जो बच्चे कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत हैं, उसे पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पात्र बच्चों को केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। योगी सरकार कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों या किसी एक को खोने वाले प्रदेश के 16,260 तथा गोरखपुर जनपद के 714 बच्चों का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश के 11,049 तथा गोरखपुर के 575 ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 5211 और गोरखपुर के 139 बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई है, तो गोरखपुर में कोरोना काल में बेसहारा हुए और कक्षा 9 या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले 116 बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप भी प्रदान कर चुकी है। गोरखपुर में कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। योगी सरकार कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों या किसी एक को खोने वाले प्रदेश के 16,260 तथा गोरखपुर जनपद के 714 बच्चों का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश के 11,049 तथा गोरखपुर के 575 ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5211 और गोरखपुर के 139 बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई है, तो गोरखपुर में कोरोना काल में बेसहारा हुए और कक्षा 9 या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले 116 बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप भी प्रदान कर चुकी है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा।
चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, आपकी सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जो उपलब्धियों का उत्सव ना मना। हमें सर्वप्रथम चिंता की समय दिया देश के बच्चों, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता के अहंकार से नहीं, सेवा के स्वभाव से चल रही है। तो विश्व ने किया, जब कोविड की महामारी से जूझते 80 करोड़ नागरिकों ने 25 महीने मुफ्त का राशन पाया, आपकी सरकार का सामर्थ्य दुनिया ने स्वीकार, जब राष्ट्र में निर्मित वैक्सीन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंची। लेकिन इस प्रशासनिक संकल्प में शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत एक वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खोया। हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहे, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की। इस संवेदनशीलता के साक्षी हम रहे इस विभाग में, ये हमारा सौभाग्य है। आज आपकी उपस्थिति प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संदेश है कि इस देश की धरोहर मात्र उसका इतिहास नहीं बल्कि उसका भविष्य है, कि देश की पूंजी मात्र उसका खजाना नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं। That you have led with compassion, Prime Minister, is known to everybody. It is our greatest joy. But your presence today, sir, is a message to our children that the nation cares, PM cares. ये योजना कैसे वास्तविकता में बदले? साल 2020 एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास जिसके तहत बच्चों को उनके अभिभावकों या रिश्तेदारों के संरक्षण में पहुंचाया गया है। बच्चे का कोई भी रिश्तेदार न होने की स्थिति में उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया गया है। आंगनबाड़ियां उनके संपूर्ण पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का ख्याल रख रही है और आयुष्मान भारत योजना से 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। बच्चों के सुरक्षित संरक्षण का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति के अलावा रहने, खाने और किताबों के लिए धनराशि दी गई है। छुट्टियों में उनके रहने की व्यवस्था उपयुक्त स्थान पर की गई है। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाया गया है जिसके इंटरेस्ट का भुगतान पीएम केयर्स फंड से होगा। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बच्चे के 18 साल का होने पर होगा 10,00,000 रुपए। ऐसे 50,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जानी है। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है राशि दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने आगे सबके सोचा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह है कि वो बच्चों को हमारे महानुभाव जो उपस्थित उनके शुभ हस्तों से दस्तावेज का वितरण शुरू करें। नहीं।
होंगे कि कक्षा एक से बारह छात्रवृत्ति की राशि को डिजिटल रूप से हस्तांतरित करने के लिए अपने शुभ हस्तों से बटन दबाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने सतत इन वन का संरक्षण के उनका सामर्थ्य बढ़ाया। अब हमारा अनुरोध है कि आप अपना शुभाशीष श्रीमती स्मृति ईरानी जी, देश भर में अलग अलग स्थानों से जुड़े मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, उनके साथ मौजूद वहां के वरिष्ठ नागरिक और विशेषकर दिन के लिए आज का एक दिवस है, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य महानुभाव और प्यारे देशवासियों, आज मैं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर चिल्ड्रन, इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और आबादित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाए। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाए। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिले, और जब आप 23 साल के होंगे तब 10,00,000 रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्जियंस, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जाए। इस कार्ड से 5,00,000 तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग को है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर
विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के इस स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के कोशिश कर रहा और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है। पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को जोड़ा। आप याद करिए सेवा और त्याग के कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आए। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर, तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सके, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सके। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा है। आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में, उन्होंने अपने जीवन कभी न कभी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने हार को कभी हताशा में नहीं बदलने, जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, मदद करेगा, इसे कभी भूलना नहीं। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है,
जब आपके पास अच्छे बुरे सही गलत इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और शिक्षक ही है, इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने। आपका एक भरोसेमंद साथी ऐसे संकट की भरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती है। अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है। आपको मैं एक और सलाह दूं साथियों, जब बीमारी आ जाए तो उपचार की जरूरत तो होती है, लेकिन जीवन उपचार से नहीं आरोग्यता से जुड़ा होना। बच्चों के लिए आज देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चल रहा है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फंड के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के ऐसे बच्चों को जो जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड में हो गई थी, और ऐसे हमारे जनपद के कुल 11 बच्चे थे, इन बच्चों को जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर के हो गए थे उनको तत्काल 10 लाख रुपये उनके अकाउंट में सेव कर दिए गए, और जो बच्चे अभी 18 वर्ष से कम उम्र के थे उनके अकाउंट में इस तरह से पैसा डाला गया है कि जब वो 18 वर्ष के होंगे तब वो 10 लाख रुपए हो जाएगा। 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में जब बच्चे होंगे तो उनको 5500 रुपये प्रति माह के हिसाब से यही जो 10 लाख रुपए उनका सेव होगा, इसी से उनको स्टाइपेंड मिलेगा और ये 23 साल तक मिलेगा। जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए उनको ड्रॉ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी पीएम केयर फंड से दी गई हैं। इसके साथ ही साथ एक 50,000 रुपये ऐसे सभी लोगों को दिया गया था, उनमें ये बच्चे भी सम्मिलित थे। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में आज हमारे जनपद के 11 बच्चे जिनके कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान दोनों अभिभावकों की दुखद मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए 10 लाख के एकमुश्त धनराशि खाते में हस्तांतरित की गई है। जो 18 साल से ऊपर है उनको धनराशि सीधा हस्तांतरित हुई है, और 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको ऐसी पूंजी दी गई है जो ब्याज सहित जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख के धनराशि हस्तांतरित मिलेगी। साथ ही साथ उनके लिए आयुष्मान कार्ड, उनके लिए विभिन्न योजनाओं में आच्छादन के लिए व्यवस्था की गई है। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज इन सभी योजनाओं के दस्तावेजों को वितरण किया गया, और उनका पूरे प्रशासनिक के सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय से निरंतर उनका संरक्षण, उनको आगे शिक्षा स्वास्थ्य आदि सेवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई, और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई। तो एक बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की, तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है, जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर बांसगांव सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिस हिसाब से कभी ऐसा इतिहास 70 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकारी धनराशि का खजाना खोला। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो देश की धरोहर है, तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हम दोनों आज कमिश्नरी में यहाँ पे बैठ के आज प्रधानमंत्री जी को सुने, बड़ा आनंद आया।